हेलो फ्रेंड्स, आशीष है सिंपल स्टूपिड टेक। और हमारे पास है रेडमी नोट 11 प्रो। और इस एप्लीकेशन में मैं आपको बताऊंगा इसमें आप कैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना बहुत सिंपल है, 3 फिंगर डाउन स्क्रीनशॉट होगा। आप स्क्रॉल भी कर सकते हो जहां भी तक आपको लेना है, उसके बाद डन कर दो, फिर वो ऐप खोलेगा और फिर आप इसको एडिट कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो, डूडल कर सकते हो। इनफैक्ट आप लाइव प्रीव्यू भी देखोगे पीछे की तरफ तो आपको और भी क्लियर आइडिया हो जाएगा। तो 3 फिंगर स्वाइप डाउन स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। अब बात करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की। तो आपको अपना जो एक्शन पैनल है उसको खोलना है और यहाँ पे एक कैमरे का आइकन होगा, वीडियो का आइकन होगा, उस पर टैप करना है तो ये स्क्रीन रिकॉर्डर का जो कंट्रोल है वो लॉन्च हो जाएगा। अब आप इस पर टैप करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं। वो डिम हो जाता है और फाइनल वीडियो में भी नहीं आता है। कभी भी रोकना हो तो आप इसको स्टॉप कर सकते हो। स्टॉप करने के बाद नोटिफिकेशन आएगा, इस पर टैप करना और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी वीडियो आपने शूट किया है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा। अब बात करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर की सेटिंग की। तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो आप रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए, वीडियो क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हो, ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर सकते हो, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, साउंड सोर्स, अगेन सिस्टम है, माइक है, म्यूट है, दोनों नहीं है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। फ्रेम रेट आप चेंज कर सकते हो, यूजुअली डिफॉल्ट 24 पे, आप चाहो तो 30 पे कर सकते हो या फिक्स फ्रेम रेट पे नहीं काम करके वेरिएबल पे काम करते हो। आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करे। फिर है लॉक स्क्रीन टू एंड, यानी कि बटन दबाया और ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग बंद हो गया, सेव्स वन स्टेप। बट यूजुअली क्या है कि ये तब काम होता है कि अगर आपको अचानक से बंद करना है, किसी को दिखाना नहीं है, देन इट कम्स हैंडी। शो टच गेस्ट इनेबल कर लो ताकि आपका फिंगर कहाँ पे है वो पता चल जाए। बटन टैप्स को भी इनेबल कर लो ताकि लोगों को ये समझ में आ जाए आप कौन से बटन पे टैप कर रहे हो। इससे ये होगा कि सामने वाले को और अच्छे से और क्लैरिटी से समझ में आएगा। तो इस तरह से आपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा उस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।